कर सकें ताकि हम अपने मंजिल का पूजन कर सकें और उस मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए अपने तमाम दोस्तों साथियों बुजुर्गों रंगों सामाजिक कार्यक्रमों सियासी समूहों के साथ मिलकर उस मंजिल तक पहुंच सकें जिसका आज हम पूजन करेंगे। शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपकी तालियों में चेयरमैन इंप्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट्स फोरम को आज की मसंदे से सदारत को सौंपा दें। आपकी तालियां मुताज हैं। इनके साथ मैं दावत दे रहा हूं इस मंच पे आने के लिए रेवरेंड फादर जॉन जोसेफ साहब को। हेलो रेवरेंड, मेरे शुक्रगुजार हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए जिसमें ऑल मिनोरिटीज पार्टी और क्रिश्चियन लीडरशिप मौजूद है। अपने पर गौर करने के लिए और माइनॉरिटीज का मुद्दा फॉलोइंग है और नहीं उसको बनाने के लिए ताकि हमारी आवाज इतदार के दरवाजे तक पहुँचे और हम अपनी कम्युनिटीज के लिए तमाम माइनॉरिटीज के लिए रहन असूल बना सके इसमें हमारा तहफ़ हो और हम इस मुल्क में जैसे कि पाकिस्तान बनाने में और अब तक अपने ग्राम का खत्म अंजाम सर अंजाम देते रहे हैं उनको मुल्क की तुर्की खुशहाली के लिए जारी रखें। माम के पाप को तकदूस नाम आमीन। सलाम कितना मुझे भी आज के तू सच्चे बादशाह कृपा करते हैं आज के समय के लिए आज के दिन के लिए परमेश्वर जो तुमने हमें ये मौका दिया है तो मिल बैठ के परमात्मा अपने तमाम कम्युनिटी के लिए अपने तमाम नॉर्थ के लिए कोई फैसला कर सके परमेश्वर इसमें हमारी रहनुमाई फरमा जैसे आबाद कृपा हमेशा बनाए रखिए। तेरी जय हो। तेरी जय। सरदार सिकंदर सिंह जी से गुजारिश है तो इतनी मेरी पार्टी सतनाम कर्तव्य आज सर सुधार सर फैमिली सर के नाम खुशी सर ये मुल्क नारे धन्यवाद हो सतनाम कर्तव्य जो सात जमीन समान कर्तव्य मालिक है फिर पावर निर्वय ना उसका किसी से वैर ना उसको किसी का है अजूरी से वो उन फिर ये कौन का मालिक है किसी भी उसको ना जुना ना उसकी किसी को जुना है बांगलू प्रसाद वो जब चाहे पूरी कायनात को बर्बाद कर सकता है ये पहले बात भी सच्ची थी आज भी सच्ची और सच्ची है
पर आस्था रखें। धन्यवाद जी। सरदार जी, मैं बन रहे के लिए पोथी पढ़ने के लिए हिंदू साथी प्रवेश अमरनाथ रंधावा से गुजारिश करूंगा कि वो अपना दुआ फरमाए। थर तो आए हुए साढ़े हिंदू कम्युनिटी के साथी पेशे के त्यौहार के नाल बाकी सिंधी मान जी आया थर की इस धरती में एडवोकेट सर्वर भी था। बड़े जोश से सरगर्म अमल जिन्होंने अपने बचपन से बुढ़ापे की मंजिल जद्दोजहद में तय की और जारी असारी रखे हुए हैं। क्षेत्र कामला ना भी होने के बावजूद कराची से सिंध से एक डेलीगेशन आया है। हम जो यहाँ के लोग हैं वो हमारा फर्ज बनता है कि उस डेलीगेशन को पांच रुकनी डेलीगेशन आया है माइनॉरिटीज पीपल्स अलायंस एमपीए एक्टिवेटेड करते हैं। रियासत शाह साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं माइनॉरिटीज पीपल्स अलायंस के। मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। वक्त आ गया है कि आज के हाउस को ओपन करने के लिए कीनोट एड्रेस के लिए हम मुसंदे सिदारत से शुरू करेंगे। गुजारिश करूंगा चेयरमैन इंप्लीमेंटेशन मराठी राइट्स फोरम प्रेसिडेंट ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी चेयरमैन श्यामल प्यारा साहब। और प्रिया जी, खालिद साहब, और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जो पूरे पाकिस्तान से थर से लेके कराची सिंध पंजाब सब जगह से आप सब लोग आए हैं तो मैं छोटी सी सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने हर दिल अजीज़ फादर जीम चंडन साहब उनको मिस कर रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो हमारे दिलेना साथी हैं और जब भी कोई पॉलिटिकल या कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो हमने बड़ा जॉइंटली एफर्ट्स किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक दफ़ा हमारी मीटिंग डिप्टी स्पीकर मांडीवाला से हुआ तो उसमें एक दबंग किस्म का एक्शन हुआ, तो मैं हमेशा उनको याद रखता हूं सिस्टम में कि जहां पे दिलेरी की बात आती है तो वो हमारे साथ और हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने आज अपना मैसेज है वो हमें भेजा है, मेरे बाद वो ज़रूर हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। हमारे बहुत से दोस्त जो हम मिलके काम कर रहे हैं या तशरीफ़ रखते हैं, अगर एक एक का नाम लिया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी दूर से दोस्त आए हैं। आज जो हमने सुनना है वो तो पॉलिटिकल लोगों को हमने सुनना है, क्योंकि जैसा बैनर्स भी है कि क्रिश्चियन लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आज उनको बुलाया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम जो है, मैं थोड़ा सा उसका बता दूँ कि ये उन लैंडमार्क जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अदालतों ने दी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करता है। और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन का जो सबसे ज़्यादा रेट है वो खुदा ने में बख्शा है, और टॉप क्लास के जो मीडिया कवरेज और फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट को शर्फ हासिल है। और जो चीज़ें इम्प्लीमेंट के लिए आती हैं हम कोशिश करते हैं कि चारों सूबों में उसमें की जाए।
और इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट फॉरम को ये भी शर्फ हासिल है कि 45 के बाद जो कानून साजियाँ हुई हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट वो भी हमने करवाई हैं, और जितने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कोर्ट के होते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी न किसी फोरम पे आके मिनॉरिटीज़ के हवाले से ज़रूर ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएँ जिसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। और खुदा का शुक्र है कि कोशिश की जाती है और अदालतें हमारे साथ भी होती हैं। तो उसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, मिनॉरिटीज़ के जितने बड़े प्रोग्राम्स हैं और वो लोग जो मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान की और मिनॉरिटीज़ की खिदमत करते हैं, डिफरेंस अवार्ड, एसपी सिंगा हमारा रेगुलर अवार्ड चल रहा है पीस के हवाले से, अवान सदर में प्रोग्राम होते हैं हमारे, और उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा सिलसिला चल रहा है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट फोरम और पीस सेंटर ये दोनों ही नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन क्योंकि हम मिनॉरिटीज़ पे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे राइट्स हैं वो पॉलिटिकल से रिलेशन रिलेट करते हैं और पॉलिटिकल राइट्स ही हमारे राइट्स हैं, तो इसलिए आज ये ज़रूरत महसूस की गई। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, कुछ जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने यूरोप से, बाहर से भी, पाकिस्तान से भी हमें ये कहा कि जी आप इस पे ज़रूर काम करें और स्पेशली जो राइट ऑफ वोट है और उस पर बात करें और बाकी जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं फोर्स कन्वर्जन या ये सारी चीज़ें उन पे बातचीत होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया है, पॉलिटिकल हेड्स को बुलाया गया है और उसके अलावा पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है ताकि वो अपनी राय आज देंगे कि किस तरह से हमने जो लाए अमल है वो बनाना है, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो इकट्ठे हम नहीं कर सकते, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना मंशूर होगा, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें तो होंगी जिस पे हम इकट्ठे हो सकते हैं और वो लाए अमल तय करके हम यकीनी बनाएं कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बाकी जो चीज़ें हैं वो जो डायरेक्शंस हैं उस पे तो ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमारा इस तरफ से बड़ा कमज़ोर है। इवन के जितनी भी अभी हमारे बहुत सीनियर जनाब खालिद गिल साहब, मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान में आएँ और पॉलिटिकल जो हमारा बैकड्रॉ है उसमें हमारी मदद करें, और नेपोलियन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। आज के इस फोरम पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या किसी पार्टी को हम उसके लिए रिक्वेस्ट कर देंगे या ये वो, ये बिल्कुल टोटल इसका ये कॉन्फ्रेंस का मकसद नहीं है। ये यहाँ पे हमारे नौजवान हैं, मेरे भाई हैं, बच्चों की तरह मैं प्यार करता हूँ। सुनील साहब की एक पोस्ट थी और आपको पता है कि हम जितनी भी क्रिश्चियन मीडिया की कवरेज होती है जहाँ उनके प्रोग्राम होते हैं उन पे नोटिस लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाते हैं, ख़ासकर जो नेशनल क्रिश्चियन चैनल है हमारा उस पर तो बेशुमार हमने यानी कि उनकी खबरों पर नोटिस लिए हैं और इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो उन्होंने एक फेसबुक पे लगाया था कि टॉप वन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, जैसे रवादारी तहरीक एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद सियालकोट में एक तहरीक है, कराची की मूवमेंट है और उसके अलावा आई एम, अगर ये सब मिलके लोग मिल बैठ के कोई अपना काम कर लें तो शायद उनका ये है कि कुछ काम हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ उनको बता दूँ कि पाकिस्तान में कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे लाहौर में हो या कहीं भी, कम से कम हम जो लोग एक्टिविस्ट हैं जो ऑर्गेनाइज वो सब इकट्ठी होती हैं। ये मैं चंद दिनों से सुन रहा हूँ कि लोग आके कहते हैं कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारा जीना मरना इकट्ठा है, हमारी तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हैं, एंजॉयमेंट इकट्ठी है, तो हम इकट्ठे हैं, ये तो ये निकाल दें कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। ठीक है जी, तो आज क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुनील साहब का, हमारे यूथ के बड़े एक्टिव नौजवान हैं और हमारे जो सीनियर सियासतदान खालिद गिल साहब हैं वो कनाडा से स्पेशली इस मकसद के लिए आए हैं,
तो आज का यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक तो बड़ी फ्रेंकली तौर पे बात होनी चाहिए, वो कोई उसमें प्रोटोकॉल नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सबकी राय जो है वो मोतबर राय होगी। और हमारी ख़वातीन बहनें भी आई हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी राय दे सकती हैं, ताकि एक आज एक ऐसा लाए अमल बना के हम यहाँ से उठें, यहाँ के कोई नेस्ट जो कर लें, ताकि जो सारी चीज़ें जो राइट हमें मिल नहीं रहे, कम से कम उन पे हम बात कर सकें, हम वो बात कर लें जो यानी कि हमारे राइट्स हैं पॉलिटिकल, उन पे बात कर लें। आज क्योंकि मुल्तान की भी बड़ी मोतबर शख्सियत कराची से और सारे लोग हैं, और वो लोग जिनके साथ जो जो चाहते हैं कि एक ऐसा कोई हमारा कट या लाइन बन जाना चाहिए जो आगे चले और हम इसको कर सकें। तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट फोरम का जो इसमें काम होगा, तो वो होगा कि जो चीज़ें आप डन करेंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना। और मैं यहाँ पे इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें ख़त्म करूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीस सेंटर का, आशिर साहब का, ये फुली प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है, इवन के ये खूबसूरत हाल, खाना, एवरीथिंग ये फुली स्पॉन्सर्ड है उनकी तरफ से। तो मैं आशिष साहब आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्पेशल पीस सेंटर का। और चंद लोगों की ये चीज़ भी सुनने में आई हैं कि मजहबी रहनुमाओं को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो मैं बड़ी खुल खुला के बातें किया करता हूँ कि जब मेरा MNA जब मेरा MPA बनने के लिए जाता है, तो वो सबसे पहले तो NCCPA के पास जाता है या उसके बाद बिशप के पास कि जो मुझे लेटर दे दें, मैंने पार्टी को देना है। तो जब हम जुदा नहीं हो सकते, उनके लेटरों पे काम होना, तो बेहतर नहीं वो हमारे साथ बैठ के काम करें, फजिलिटेट करें, हमारे लिए दुआएं करें, आगे आएं और हम सब मिलके ये सारा जो काम कर सकें। और मैंने जो 10 साल क्योंकि मेरी स्ट्रगल रही है, 12 साल सुप्रीम कोर्ट में जब से ये सोमोटो वन हुआ, तो मैंने जो देखा है वो लीडर भी हमारी क्लर्जी को समझते हैं, तमाम चीज़ें उनको, लेकिन अब दूसरी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि क्लर्जी का जो रोल है वो ये है कि जो वो रोल नहीं कर सकते, जो वो समझते हैं कि दूसरा कोई एक्टिव आदमी है तो उसको प्रेजेंट करना चाहिए। वो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, आप हिंदू कम्युनिटी को देख लें, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी है, उसमें कोई पंडित नहीं आएगा, उनके पॉलिटिकल लोग ही आएंगे। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें हमें करने वाली हैं वो हमने करनी है, लेकिन चर्च हमारा है, हम चर्च हैं, हम चर्च के साथ हैं, हम सब ने मिलके काम करना है। चीफ पीस ऑफ एम्बेसडर रेवरेंड फादर जेम्स चंदन का वो मुदब्बराना पैगाम सुने थे जिसके जरिए से वो दुनिया भर में अमन का सफीर बन के घूम रहे हैं और हम सबों की इज्जत बुक्कत और वकार में पाकिस्तानी मसीही कौम का, पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों का वकार बयान कर रहे हैं। आइए सुनिए promoters of peace and harmony, as well as religious leaders, have gathered at Peace Center for this conference. The theme of the conference is very relevant to address the issues which minorities are faced with in Pakistan from today, and how united we can address those issues and bring a positive in our country. Issues like forced coercion and marriages, and at times harassment of minorities and discrimination of minorities in the name of religion, our gender, our caste. We are all Pakistanis, and all Pakistanis should have been treated equally. But unfortunately, from time to time, we face problems. And today, as lawyers have gathered, human rights activists have gathered, media personnel have come together, as well as religious leaders in the form of
Father Pascal Parush, Father John Joseph, Father Kennedy, Father James Samuel, Father Perez, and Father John Joseph have joined Sankar. And I wish you all the best. I'm sure your sharing the revelations which you will pass will bring a positive change in our society, and united we can present our issues very forcefully and also accept positive change in our country. We are all Pakistanis, and all of us have an important role to play. Whether we are Pakistani Muslims, are Christians, are Hindus, are Sikhs, it is our Pakistan. So we have to make this Pakistan a Pakistan which is respected all around the world, that all people enjoy equal rights, and there is no discrimination, and there is no harassment, and there are no attacks on our places of worship, especially churches and temples. And I also recall the landmark judgment of Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, Honorable Justice Asad Hussain Jilani, the judgment which he gave on the 19th of June 2014. And under the light of that judgment, many things have been accomplished for interfaith harmony and to stop hate speeches and protect the people's worship. But still, much more needs to be done. जी जो लोग फेवर में हैं वो हाथ खड़े करें अपने शोफा हैंड से. थैंक यू वेरी मच. आपने दूसरे पॉइंट पे कहा कि अपने अपने वहाँ ये क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह चुनेंगे, इसलिए कि पहले तो हो रहा है तो चुन रहे हैं वो लोग. चुनने का सिस्टम मिलेगा तो चलेंगे ना. हम सिस्टम की जरूरत करेंगे. मन साहब आप इतने बड़े सियाने आदमी हैं, आप ये क्वेश्चन हमसे क्यों कर रहे हैं? ये तो हम डिमांड कर रहे हैं. चार्टर ऑफ डिमांड के साथ आप मुत्तफिक नहीं है तो आप अपना हाथ ना खड़ा करें. जो अपना मैं एक और गुजारिश करूंगा तमाम हाल से जो इस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ मुत्तफिक खड़े हो और इनके अपने फादर ग्रीन चंदन साहब ने इनको फरमाए तो और फादर नमीद अख्तर नमीद अख्तर साहब के बारे में भी ये बताएंगे जो आज हमारी कंक्लूजन भी करेंगे ये हमारी बात भी करेंगे. और फिर आखिर में जो एप्रिसिएशन अवार्ड है तीन सेंटर की तरफ से यूआरआई की तरफ से चेयरमैन श्यामल प्यारा साहब को वो भी उनकी नजर करेंगे. आपकी भरपाई पालियों में जितना काम आगे निकले उसके लिए जरा सर पालियों में जाने ये खाना भी जो है ना आगे पालियों की है. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने काफी सफर किया और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत सुनी है. थोड़ा सा वक्त और बड़ा अपनी सीट पर बैठे. आपसे गुजारिश है कि सारे अपनी सीट पर बैठे. पहले जो सियासी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हैं, मीडिया के भी लोग हैं, लेकिन ये जो सेंटर है पीस ये पार्टी प्रमोशन ऑफ पीस एंड परफेक्ट कॉमन है तो ये अपनी नवीयत का बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है. मैं कहता हूँ कि ये मुआवजा है इतने मसीहियों को मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ जमातों से यहाँ पर इकट्ठा करना ये बजाते कुछ एक मुआवजा है. और मैं चाहूँगा कि इस मुआवजे को और लोगों को जाने दे आप जो है उनको और उसका असर जरा आने दे तो खामोशी के साथ अपनी जरा थोड़ी सी सिर्फ जो हमें दे दें. फदर जेल सलीम मुफ्ती साहब के नाम से आप सारे वाकिफ हैं, उनके कामों से वाकिफ हैं. उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है एज ए क्रिश्चियन एज ए मसीही काहिन है प्रीस है और बतौर प्रीस उन्होंने अपनी शनाख्त जो है न सिर्फ पाकिस्तान में न सिर्फ मसीहियों में बल्कि तमाम जो मजहब है उन्होंने अपनी पहचान बनाई है. अगर मैं मसीही हूँ मैं कैथलिक हूँ या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ या मेरा किसी भी मजिस्ट्री से ताल्लुक है और मैं एज ए क्रिश्चियन फादर जी को इज्जत देता हूँ मैं तो देता ही देता हूँ लेकिन अगर बादशाह के प्रति
लेकिन आज अमरनाथ रंधावा साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी आज वो इस प्रोग्राम में मौजूद है, हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरदार सिकंदर सिंह है, आज उन्होंने ये कहा भी है कि मुझे आज फादर जेम्स चरण साहब की बड़ी कमी महसूस होगी, यदि कि ये उनका प्यार है। आज ये जो कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था आपकी गुफ्तगु सुनने का, आपको इतनी इतनी दूर शहरों से यहाँ पर बुलाने का खास इसके पीछे मकसद था, और वो मकसद ये था कि अगर मैं एज अ माइनॉरिटी एज अ क्रिश्चियन ये देखूं, या मैं ऑब्जर्व करता हूँ या मैं देखता हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप जो क्रिश्चियंस में है ना, मुझे उसमें बहुत भुगतान जो है ना वो नजर आता है। यहाँ तो उनमें ड्यूटी थी और हमारे बहुत सारे लीडर्स ने स्पीचेस किया, उसमें इसका जिक्र भी किया, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो है क्योंकि आज यहाँ तो लीडर की बात कर रहे हैं या लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जो आज हमने गुफ्तगु सुनी है उसमें मैंने जो चीज़ें आपसे मुझे मिली हैं वो या तो हम लीडर को ढूंढ रहे हैं या मछली लीडरशिप को ढूंढ रहे हैं। और मुझे यीशु के वो वर्ड याद आ रहे थे कि मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि अंदर को हम थे मजदूरों को दिशा दे और कैदियों को रहाई हो। अगर मैं कहूँ कि मैं एक पुलिस हूँ तो मेरा ज्यादा से गलत नहीं, लेकिन यीशु के जो वर्ड है कायम में भी वही काम करना जो यीशु का मंशूर था। अगर तारक जो यहाँ पर आए थे उन्होंने जो स्पीच की तो उनके भी वर्ड्स वही थे। अगर मेरी बहन वो बात कर रही थी, लोगों की बातें कर रही थी, तो वर्ड उसमें भी यीशु के वही थे। तो वही बातें हम सारे अपने अपने अलग अलग लेवल पे तो हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो यीशु ने हमें मंशूर दिया। तो इसलिए आज का ये जो इकट्ठ है, मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पर बुलाए गए हो तो बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा लफ्ज हमें मिलता है कि आप बरकसीदा लोग, आप बुलाए गए यहाँ पर, तो आप में से पता नहीं कितनों की कम्युनिकेशन या कितनों के चुनाव के बाद आप लोग यहाँ पे आए हो। इसका मतलब है कि आप में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, आप में कोई ना कोई चीज़ है जो मैटर करेगी, जिसकी वजह से दूसरे लोग इंस्पायर होंगे, तो कोई ना कोई चीज़ बस है। तो आज का जो जरूरी चीज है, जो फादर जी का यहाँ पर आपने उनकी स्पीच भी सुनी है, उनका भी वर्ड वही है, वो जो बहन कह रही थी वो भी इसी बात पे पोस्ट कन्वर्जन पे, हमारे जो बच्चियों के साथ ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो अब्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। हमारी एक कॉन्फ्रेंस पहले हो चुकी है, सैमुअल पहला साहब उसमें मौजूद थे, उसका भी फोकस हमारा यही था, उसमें हमने अपने मसीहों को बुलाया, इसके साथ साथ हमने अपने मुस्लिम बहन भाइयों को इसमें बुलाया था। आज हम बात कर रहे हैं कि तशद्दुद हुसैन जिलानी जो सुप्रीम कोर्ट के साहब का चीफ जस्टिस रहे हैं, 2014 के फैसले की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जमात में या किसी अलायंस में या किसी नेटवर्क में भी काम आपने काम करना करने को, तो अगर आपने उसी चीज़ों को करना तो यीशु की तरह तो आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ें या तो हम उस लैब पे जा भी रहे या हमें किसी ना किसी जगह पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर इसी फोरम के जरिए जो आज आप सोच रहे ये अलायंस बना, क्योंकि पी सेंटर और सैमुअल प्यारा साहब ये बताते हैं खुद आपको, ये दो दायरे आपको इस सपोर्ट करने के चक्कर में नहीं है कि आपके पीछे ये एजेंडा उसका प्रमोट करने के, नहीं, काम आपने करना है। हम लोग जैसे सैमुअल प्यारा साहब ने कहा है और फादर जेम्स चरण साहब वो इस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और उन्होंने इस चीज की जरूरत महसूस की है कि क्यों ना हम अपनी जो पॉलिटिकल जो फैसिलिटीज है, जो लीडरशिप है, उनको एक फोरम पर इकट्ठा करें। बहुत सारे ग्रंथों में सुभाष भट्टी का जिक्र कर रहे हैं, आज अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में हमें कोई सुभाष भट्टी नजर नहीं आएगा, कोई बिशप जाधव नजर नहीं आएगा, कोई ऐसा और बंदा नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमें दोबारा से इकट्ठे होने की जरूरत है। पर जेम कन्न साहब की तरफ से उनके लिए यह खास है, उन्होंने यही चीज को प्रमोट किया है कि जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तशद्दुद हुसैन जिलानी साहब की, जिसके लिए IMRF ने बड़ी कोशिश की है, आप लोग अपने अपने लेवल पे रहते हुए उसको उसके लिए आपकी आवाज उठाए, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए खासतौर पर सैमुअल प्यारा साहब की ये जो खिदमात है
उनके लीडर ने एक शील्ड जो है फादर जेम्स साहब ने उनकी खिदमत को देखते हुए मोदी साहब को वो सामने आए और सैमुअल प्यार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने आए और आपकी जोरदार तालियों में ये जो शील्ड है फिर से आपके बारे में सब साथ आपको हमारा इकट्ठ हमारा दिल बैठता ये वक्त की जरूरत है और इस इकट्ठ के लिए जो भी कोशिशें हैं जो जहन है जो दर्द है जो दिल है मैं ये समझता हूँ ना वे श्यामल प्यारा साहब जो कि चेयरमैन है इम्प्लीमेंटेशन फोरम के और इनके साथ वाले ढेर साहब हैं और फादर कविंद्र और फादर जेमचंदन और आज के दिन के इस प्रोग्राम के बाद को कराने में भाई आशर नजीर हम इन्हें अपनी भरपूर तालियों में पहले तुम मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ मैं दो बातें करूंगा और दो के साथ और तीसरी बात भी आएगा। पहली बात ये है अगर आप तारीख पे पाकिस्तान पढ़ेंगे या जो भी कोई तारीख लिखता है कोई आर्टिकल लिखता है मजमून लिखता है तो वहां पे जब कभी भी लफ्ज अकलियत आएगा तो वहां मजहबी अकलियत लिखते हैं या नहीं वहां पे मजहबी अकलियतें लिखते हैं। अब तक मैंने नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान में सियासी पार्टी भी कोई है कोई सियासी पार्टी जो अपना नाम या अपनी पहचान रखती है क्योंकि यहां पे बात हो रही है अकलियतों की तो अकलियतों के मुतालिक जो राइट ये जो फोरम है भाई इनके अंदर उन्होंने चार नकात पेश किए हैं और ये जो नकात है वो ये है कि आपको पीसफुल असेंबली की आजादी आप कटे हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपको ऑक्यूपेशन की आजादी है ये राइट्स है आपकी सिर्फ चार। आप सब हम यहां पे बैठे हुए हैं तो लगता है कि हम तो अपनी अपनी जगह पे बिखरे हुए हैं हम किसके राइट की बात करते हैं हमें से हर एक को अपने नाम की पहचान करवाना है और जगह जगह पे यही नजर आता है। तो आज जो ये कोशिश है वो ये है कि हम इकट्ठे हो लोगों का हमने जिक्र कर लिया है जिक्र सुन लिया है लेकिन यहां से क्या लेकर जाएंगे वो कौन सी है कैसी रूह होगी वो कैसी तड़प होगी जो ये पाकिस्तान में पहचान करवाए हम मसीही हैं हम हिंदू हैं हम इधर सिख हैं और दूसरी भी अकलियती है। लेकिन अफसोस से मैं ये कह कहूंगा ये दिन तो बड़ा अच्छी तरह से सोचा शायद क्या होगा लेकिन मुझे अभी भी शिकवा है मुझे शिकवा है शिकवा वाला ये है हम पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमारे लिए
11 अगस्त को कवर कर दिया गया। हम तो पहले भी इस टीम से बाहर आए और हम इस्लामाबाद सारी बात सब इस्लामाबाद भागते हैं कि आज अकली दो का दिन है भाई, आप तो पाकिस्तानी है ही नहीं, आप इसकी बात करते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं क्योंकि आपके लिए दोनों ने पहले ही से एक दिन मुकर करके रख दिया है कि ये अकलीतों का दिन है और हम बड़े खुश होते हैं जितनी भी पार्टियां भाग कर भाई एक पहचान अपना नाम रखे, हम पाकिस्तान की पहले तो पाकिस्तान में होते हुए अकलीत का मतलब होता है तादाद में कम होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कोई हकूक मारे, ये मतलब नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि हम किसी के साथ मिल जाते हैं। यहाँ के सवाल आ गया है इलेक्शन चाहिए सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो तारिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से यह बयान किया है, मैं तो पहले भूल चुका हूँ, मैंने दोनों मजे ले लिए हैं, लेकिन याद रखें जब तक आप एक झंडा नहीं रखते यहाँ एक झंडे की जरूरत है, आप अपनी पहचान नहीं करवा सकते। ये तो मेरे भाई कहते हैं इधर ये सिख है हिंदू है तो उसके लिए भी होंगी ये हमारे साथ, लेकिन हर एक ने तो अपना निडोला फेंकना है, कभी ये सोचा है कि हम बैठ जाएंगे और करेंगे, आज हमारे बाद इनको जाती है कि जिन्होंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ जज्बात बड़े अच्छे हैं, बड़ा जोश है, बड़ा बलबला है, हमारे साथ ये हो गया हमारे साथ हो, मैं भी कहता हूँ कि आपके साथ खुद कर दिया इलेक्शन और इन डर भी जाने असल लग जाए फिर उठी रह जाए नारे लोहे मार के झंडे फाड़ के थोड़े दे इश्तहार लाने का मौका भी नहीं मिलता लोगों को, हूँ तो बड़े बड़े बैनर लगते पहले सारे लोग बड़े काम करते थे अब ये काम भी खत्म हो गया है। तो मेरे सिख भाइयों और बहनों हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, अगर हमने अपना नाम अपनी पहचान रखनी है तो एक दूसरे का साथ देना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नवीन साहब। आखिर में रवायती तौर पर यह होता है कि जो मेजबान होते हैं उनकी तरफ से इजारे तशक्कर भी होता है और फिर खाने का इनाम भी होता है, तो आई एम आर आपके लीगल एड सेंटर कोऑर्डिनेटर चौरी काशम मेमन और चौरी काशम मेमन ने भी वो सिस्टम देखे हैं, इनने भी जदोजहद में भी अपनी थाना कचहरी पीटीए की तरफ से देखा है कि 1985 में जुदागढ़ इलेक्शन में चौरी नेमत मसीह साहब पार्टी के शेखपुरा से एमपीए बने थे पंजाब असेंबली के, तो उनके सपूत हैं, रवायती तौर पे सियासत में आ गए हैं और अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लीगल एड सेल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आई एम एल आपको तो मैं इनको कहूंगा आपके इजाहे की शक्ल के लिए तशरीफ लाएं, आपकी तालियों में आखिर में जरूर तालियां बजनी चाहिए क्योंकि ये आपकी खुशी का है। मैं आखिर में एक ही मिनट सिर्फ टाइम लूंगा ताकि आपके खाने में फायल ना हो, मैं आईआरआर की तरफ से और टीम सेंटर की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग तशरीफ लाए और स्पेशली मुतफिका तौर पे जो आज करारदाद मंजूर हुई है मैं उसके लिए भी पूरे हॉल का बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर पे एक मैं अहम बात जाते-जाते करना चाहूंगा कि वो एक मुहावरा है कि आवाज़ खड़क को नगारा खुदा समझो, जो टॉपिक था बेसिकली वो एक और था कि यूनिटी कमांडर माइनॉरिटी थे पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी के लीडरान में जो माइनॉरिटी के हैं यूनिटी कैसे लाई जाए और आगे को सियासी ताकत कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रोग्राम को सीधा न सीधा जो है वो इलेक्शन नॉट सेशन की तरफ चला गया
और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये यूनैनिमसली एक बात सामने आ गई है तो यही नैरेटिव है और किसी को सारे आगे लेते फिरेंगे, क्योंकि सिलेक्शन सिस्टम की एक बहुत बड़ी तबाह थी वो हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हुए हैं, इस चीज के विटनेस है कि इस सिस्टम की ना तो कोई सिलेक्ट करने का मियाद था और ना ही कोई रिजेक्ट करने का मियाद, ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी तबाहत है कि जब लोगों को दिया जाता था तो बस ऐसे ले लिया जाता था, तो आप इनको रिजेक्ट भी किया जाए अग्रेशन साफ करता रहे। और मैं शुक्र गुजार हूं खासतौर पर भाई अपने तारक गिल साहब का कि जो बारिश का पहला लफड़ा बने इलेक्शन के हवाले से, कम अज कम हमारे पार्लियामेंटेरियंस को यह तो पता चला कि उस सिस्टम के क्या क्वालिटीज है और इलेक्शन की क्या क्वालिटीज है। अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।